जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट को पढ़ा तो आपका क्या रिएक्शन था? और आपने दानिश का कैरेक्टर प्ले करना ही क्यों चूज़ किया, शावार का क्यों नहीं? एक तो ये कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत कमाल लगा, जिस तरह इसका जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत कमाल था और बहुत सिंपल अल्फाजों में स्टोरी की जो प्रोग्रेशन थी वो बड़े सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव डायलॉग्स के साथ थी। तो जैसे हम एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ें बहुत अरसे के बाद तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि यार शुक्र है मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ गया, तो मेरी ऐसी फीलिंग थी। और मैंने दानिश जिस वक्त मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो तभी आइडिया हो गया था कि कैरेक्टर बहुत कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरा ये कि मैं बहुत अरसे से कोई 15-16 साल से या 20 साल से इस जोन का कैरेक्टर करना चाहता था, जैसे क्रैमर वर्सेस क्रैमर और इस तरह की जो फिल्में थीं, तो वो कैरेक्टर कभी भी कोई अच्छे तरीके से लिखा हुआ आया नहीं था। और मेरे पास तुम जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। जब आपने स्क्रिप्ट को पढ़ा तो आपने आयशा को माविश के रोल में इमेजिन किया? बहुत शुरू में आयशा खान के बारे में सोचा था, फिर हम उस वक्त आयशा कहती थी कि 4 साल पहले कि ये बना लो मेरी कहीं शादी ना हो जाए, वो उस वक्त मजाक में करती थी लेकिन फिर सचमुच हो गई। और फिर उसके बाद हमने आयशा को लिया, एक दो और एक्ट्रेसेस को हमने ऑफर की थी मगर उन्होंने मना कर दिया था कि ये बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर है। आयशा भी डर रही थी लेकिन आयशा बड़ी ब्रेव हैं कि जो उन्होंने ये कैरेक्टर किया और बहुत ज़बरदस्त किया। क्या दानिश और हुमायूं के कैरेक्टर्स में कोई सिमिलैरिटी है? यस, पेशेंस। जो जितना दानिश में पेशेंस नज़र आता है वो मुझे लगता है कि असल रियल लाइफ में मेरे अंदर भी है। क्या आपको अंदाज़ा था कि ड्रामा इतना हिट हो जाएगा और इतनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगी आपको? क्या फीलिंग्स हैं आपकी? देखें, जहाँ तक ये बात है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था, हम कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही हैं क्योंकि हम 3 साल बाद कोई चीज़ बना रहे थे, तो ज़ाहिर है उस पर इतना ट्रस्ट था कि लगता था कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसकी रेटिंग कितनी आएगी ये नहीं पता था, ये लगता था कि ये एक लिमिटेड ऑडियंस का प्ले लगता था मुझे कि हर कोई रिलेट नहीं करेगा। आजकल जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं उसमें औरत को हम मज़लूम दिखाते हैं, इसमें एक तरह से विलेन ही औरत है, तो पता नहीं लोग इसको कैसा लेंगे, शायद उस इंटरेस्ट से ना देखें जिससे वो दूसरे सीरियल्स देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता था कि पूरा पाकिस्तान, जब ये सीरियल चलेगा तो पूरा पाकिस्तान इसको डिस्कस करेगा। तो अच्छी बात ये है कि पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है। और जो लेकिन फिर भी जितना भी रिस्पांस मिला है मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि मैं खुद हैरान हो जाऊंगा कि वो मेरी ज़िंदगी का जितने भी मैंने काम किए इससे ज़्यादा रिस्पांस कभी आया नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी, ज़ाहिर है बहुत खुश होता है इंसान, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आपका फेवरेट डायलॉग? असल में मैं वो फेवरेट डायलॉग मेरा नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है, जो 12th एपिसोड है, मैं अभी वो बताना नहीं चाह रहा, तो वो सबको पता चल जाएगा जैसे ही वो एपिसोड देखेंगे। आप नए शादीशुदा जोड़ों को क्या नसीहत देंगे? यही सेम एडवाइस दूंगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दें। दानिश ने 50 मिलियन क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? क्योंकि वो समझता था कि महविश की कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए। चाहे वो 100 मिलियन होते चाहे वो 200 मिलियन होते, वो समझता है कि उसकी बीवी की कोई कीमत ही नहीं है जब तक वो उसके पास है। क्या माविश रूमी को दानिश से ले लेगी शावार की ताकत इस्तेमाल करते हुए? मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे ये दोनों कि रूमी को ले जाएं पैसे के जोर पे। लेकिन अगर दोनों में से एक अगर नहीं रहा तो फिर मुश्किल होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी जिंदा रहा तो ये कोशिश जरूर करेंगे कि रूमी को अपने पास बुला लें। क्या दानिश दोबारा शादी करेगा? या करनी नहीं चाहिए उसको मेरे ख्याल से, मेरा तो राइटर से यही बात चल रही है कि सर इसको दूसरी शादी ना करवाएं, बट डोंट नो, अभी वो स्क्रिप्ट आई नहीं है मेरे पास। कोई धमाका खेज मोमेंट बताएं। धमाका 11वें में हो ही गया है, और क्या धमाका दिखाना है, लेकिन धमाके आगे आते रहेंगे अगर वही धमाका था तो। क्या इसमें मकाफाते अमल का कोई दखल है?
मकाफात अमल नज़र आना चाहिए। क्या दानिश अपने सारे फैसले लॉजिकली करता है या इमोशनली करता है? लॉजिकल करता है, जज्बात में होता तो फिर पता नहीं क्या कुछ कर देता। दानिश कभी अपनी माँ के बारे में बात क्यों नहीं करता? दानिश जब 3 साल का था तो उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। हुमायूं सईद की जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? देखिए, चैलेंज वैलेंज समझ के मैं नहीं करता काम। मैं मुझे अगर स्क्रिप्ट पसंद आता है, कैरेक्टर पसंद आता है, साथ डायरेक्टर अच्छा होता है तो मुझसे अच्छा हो जाता है या बेहतर हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3-4 काम किए हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिसमें मैरीन जब्बार का एक ड्रामा मैंने किया था, अब तुम जा सकते हो, उसके बाद एक मेहंदी था, एक इश जुनू दीवानगी था, एक दोराहा था, और दिल्लगी था रिसेंटली, पंजाब नहीं जाऊंगी, और उसके बाद अब ये जो मैंने मेरे पास तुम। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? अभी हमने सुना है कि आप अगले 2 साल बहुत बिजी हैं। हाँ, मैं क्योंकि मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ और 1-2 फिल्मों पे और भी काम हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगले 2 साल मेरे या 1.5 साल जो है वो फिल्मों में लग जाएगा, और फिर उसके बाद मैं कोई सीरियल करूँगा जो कि 12-13 किस्तों की होगी। क्या आपने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया जिस पे आप करना चाह रहे थे? नहीं, मैंने लिखवाना शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि मैं 26 किस्तों का सीरियल नहीं होगा, वो ज़रा कम किस्तों का होगा, और उसका स्क्रीन पे जो है वो खुद से सोचना पड़ेगा। नदीम और मैं बैठ जाएंगे कि हमें क्या करना है, पहले कहानी ज़रा सोच लूँ, उस पर काम शुरू दिमाग में हो गया। आपका फेवरेट राइटर कौन है? देखिए, वो तो सबके फेवरेट हैं, खलील साहब हैं, उमैरा हैं, मोहम्मद अहमद हैं, फायज़ा हैं, समीरा हैं। ये जब जब इन सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, ये जब लिखते हैं तो अपने टाइप की चीज़ लिखते हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं होता। वासे चौधरी जैसी वो फिल्म लिखता है वैसी कोई भी नहीं लिखता, तो फिल्मों में जो है वो आई थिंक वासे चौधरी और खलील रहमान कमर, ये अपने अपने हिसाब से वो रोमांस अच्छा लिखते हैं और ये कॉमेडी अच्छी लिखते हैं। तो रोम कॉम दोनों ही लिखते हैं, लेकिन वासे ज़रा ज़्यादा कॉमेडी की साइड पे होता है, खलील साहब रोमांस बहुत अच्छा लिखते हैं, तो दोनों बेस्ट हैं फिल्म के लिए। कोई मशवरा आप नए राइटर्स को देना चाहें? नए राइटर्स मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज आएगा फिल्मों में, वो राइटर्स नए राइटर्स से ही आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मुझे उनसे कमर्शियल फिल्म लिखवानी है, और कमर्शियल फिल्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि गाने वाली और कॉमेडी हो, अगर वो सीरियस फिल्म भी लिखते हैं तो उस फिल्म में कोई बड़ी बात ज़रूर होनी चाहिए, फिल्म बनाने का मकसद होना चाहिए, मकसद के साथ साथ स्क्रीन प्ले और वो जो क्राफ्ट होता है, लोगों को 2 घंटे लोग देखें फिल्म तो वो बोरिंग ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग लिखते हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, मगर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं क्राफ्ट में, उसके प्रोग्रेशन में, कहानी की स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले में, कि फिल्म बोरिंग लगती है। आप बोलते हो फिल्म 2 घंटे की हो या 1.5 घंटे की भी है तो वो लंबी लगती है। मेरे ख्याल से उस क्राफ्ट पे उनको काम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ जो लिख सकते हैं, मगर उनको इस चीज़ पे ज़रा काम करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट को बनाने की जल्दी ना करें, मतलब उसको लिखें, उस पर टाइम दें, कुछ लोगों के साथ टीम के साथ बैठ जाएं, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो जब लिख लेते हैं एक दफ़ा तो उनको लगता है कि बस यही पत्थर पे लकीर है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, और वो फिर बहुत जल्दी उस स्क्रिप्ट को शूटिंग पे डाल देते हैं, तो आई थिंक ये गलत है। कितना टाइम लगता है आपको फाइनलाइज करने के लिए स्क्रिप्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए? बहुत, हमारा तो 1.5 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। हमने हमारी इस साल फिल्म इसीलिए नहीं आई कि हमने स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत टाइम लगाया है, और फाइनली अब कंप्लीट हो रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स। हुमायूं सईद का कोई खास मैसेज अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स के लिए? स्पेशल मैसेज आजकल ये है कि
आप लोगों ने 20 साल मुझे बर्दाश्त किया है, और अब ये मेरे पास तुम हो देखने के बाद आप लोगों ने मुझे ऐसा ये एहसास दिलाया कि अभी मेरी इनिंग ख़त्म नहीं हुई, मैं अभी और काम कर सकता हूँ। तो इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें। और मैं एक्चुअली एक बात और करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नए एक्टर्स आने चाहिए और नए एक्टर्स आ भी रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए इस तरह इंस्पिरेशन रहना चाहता हूँ कि अगर आज वो 30 साल के हैं तो वो जब 40 के होंगे तो तब भी काम, तो उनके पास कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए हमारे ही मुल्क में कि 45 का एक्टर भी कामयाब तरीके से उसी लगन से काम कर सकता है, आपने ख़त्म नहीं होना। 50 का हो के भी, 55 का हो के भी, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, आपको आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत से काम करते रहें और पॉजिटिव सोच रखें। ये ना सोचें कि ओ ये कहाँ पहुँच गया, मैं तो रह गया। काम करते रहेंगे आप कहीं ना कहीं पहुँचते रहेंगे। मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने और काम करना है, और मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक। ये सोचते रहेंगे तो हमेशा आप में एक हिम्मत रहेगी कि आप और काम करें। वो पैशन रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, चाहे आप 70 साल के हो जाएं। दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं, 70 साल का बंदा भी हीरो आ रहा है, 75 साल का बंदा हीरो आ रहा है। जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं, वो 60-60 साल, 65-65 साल तक उनकी ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जिसमें उनका लीड कैरेक्टर होता है, और वो कितनी यंग एक्ट्रेसेस के सामने अवार्ड्स ले जाती हैं, ऑस्कर ले जाती हैं, गोल्डन ग्लोब ले जाती हैं, तो वहाँ उनको बद्दुआएं नहीं दी जाती कि वो ये काम छोड़ दें। और उनको उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है सारी यंग एक्ट्रेसेस को कि वो भी इस उम्र तक काम कर सकती हैं, और एक्टर्स जो यंग एक्टर्स हैं उनको उनको देख के वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो और बहुत से एक्टर्स जो वहाँ तक पहुँचे हुए, उनको देख के वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भी यही बनना है और हम तब तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें जितने भी यंग एक्टर्स हैं, और ऑडियंस भी इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपके एक्टर्स कोई भी यहाँ पे जो पाकिस्तान में शान हैं, नुमान एजाज हैं, उनको दुआ दें कि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो 80-80 साल तक आपके हीरो रहें, मुझे भी दुआ दें प्लीज़। और उस पर फ़ख्र करें, अपने मुल्क के एक्टर्स पे, अपने मुल्क की एक्ट्रेसेस पे जो 20-20 साल अपना इस काम को दे चुकी हैं या दे चुके हैं, और दुआ करें कि वो आगे 40 साल तक आपको एंटरटेन करते रहें। तो ऑटोमेटिकली ये जो जितने भी यंगस्टर्स हैं इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। जो आपको लगता है ना कि जो सीनियर बंदा है वो किसी यंग एक्टर का काम काट रहा है या उसको आगे आने नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साल में एक फिल्म करता हूँ और 3 साल में एक सीरियल करता हूँ, और साल में 50 फिल्में बनती हैं और 300 ड्रामा बनता है। तो सब में यंग एक्टर्स आ रहे हैं, उनको हमें इंस्पायर करना है कि वो अगले 40 साल तक, 50 साल तक, जो आज 30 साल का है उसको दुआ दें कि वो 80 साल तक का भी काम करता रहे। उससे, उस यंग बच्चे से के दिमाग में ये ना डालें कि देखो तुम्हारा फलाना एक्टर ये काम छीन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बस मैं यही कहूँगा कि हम सबको दुआ दें कि हमारी सेहतें अच्छी रहें, हम अपने काम से मोहब्बत करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।